So ladies and gentlemen in the last module we have discussed about the ecosystem in this module the module 173 is going to talk about startup ecosystem. What is startup ecosystem? Let's discuss the startup ecosystem which includes idea, intervention, research, startups at the various stage, entrepreneurs, startup team members, investors who give seed money मेंटर्स जो कि आपको गाइड करते हैं मेंटर्स को टेक्निकल होना चाहिए सिर्फ जा बेटा शुरू कर दे ये आवाज़ नहीं चाहिए आवाज ये चाहिए कि आपको कितना डिसिप्लिन होना है आपको कैलकुलेट होना है आपको एवेल्युट होना है आपको इम्प्लीमेंट करने से पहले कितना ज़्यादा बफर स्पैन सिस्टम लगाना है जा जगर के साथ चीर दे ये आवाज़ नहीं चाहिए तो ये अगर सिर्फ ये आवाज होगी तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा जिगर चलता रहेगा और आप एंड ऑफ द डे कोई मेरे ख्याल में को खतरनाक से वॉरियर बन जाएंगे लेकिन एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे कमिंग ऑन टू इज द एडवाइजर्स एडवाइस टू गेट द बिजनेस फंडिंग एडवाइस टू गेट एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटीज एडवाइस टू गेट लिंक्ड विद द बैंकिंग चैनल्स एडवाइस टू गेट अटैच विद इंटरनेशनल वेंचर तो किस तरह करेंगे पीपल फ्रॉम द रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन सो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन टू द बिग कंपनीइजेशन टू दर्विस प्रोवाइडर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन अब बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं नाम नहीं लेने लगा लेकिन हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग जो सिर्फ आपको एक ख़ास कर्जा देते हैं उससे हट कर होना ही चाहिए कि आपके बिजनेस के लिए डेवलपमेंटल बैंक्स होने चाहिए अब डेवलपमेंटल बैंक की बात मैं पहली दफ़ा कर रहा हूं मैं बहुत हो गया बंगला की एग्जाम्पल लेते हैं बहुत हो गया हम बाकी एग्जाम्पल लेते हैं लेकिन मैं ज़्यादा इंफोसिस इस एक तो डेवलपमेंट बैंक्स पर कर रहा हूं दूसरा मैं यूनिवर्सिटीज को कह रहा हूं यूनिवर्सिटीज़ को इंडस्ट्री बनाना आना चाहिए खासतौर पर बिजनेस स्कूल इंजीनियरिंग स्कूल्स कि सारे के सारे जितने भी हैं एक बेसिक आइडिया बनाकर उसको रन करके दें और बेशक उसको बाद में बेच दें अगर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूट्स बन जाएं और आपको मैं एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा कि सबसे पहले हार्वर्ड स्कूल जो बना था वो पॉलिसी मेकिंग का इंस्टीट्यूट था उसने पूरे अमेरिका की पॉलिसी बनाई थी आज ये आलम है कि अगर एक पिछले दिनों अरसे में एक वाक्य हुआ था तो ने प्रॉल किया चांसलर ऑफ द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो उसने कहा क्या मुझे चीजें भेज दें रिक्वायरमेंट्स में पूरी करवा के भेज देता हूँ आई डोंट हैव टाइम टू मीट यू सो अगर यहाँ तक ये आलम होता है कि यूनिवर्सिटीज़ आपकी पॉलिसीज़ और पब्लिक पॉलिसीज़ आपकी डोमेन्स के अंदर काम करके आपके लिए वो मुख्तफ़ किस्म के इनपुट देती हैं सो दिस इज़ द रियल एक्सस्िस्टम टू बी डिवेलप बाय एंड डिवेलप्ड ऑन सो मेरा ख्याल में ये है कि जितनी भी फैक्ल्टीज़ होती हैं तो जैसे आपके जिसम की मुख्तल फ़ैकल्टीज़ होती हैं तो फैक्ल्टी ऑफ आपके जो किडनी है ये अलग फैकल्टी है लंग्स अलग है आपकी एनाटमी के अंदर पूरे के पूरी अंदर एक फैकल्टी है ब्रेन की अलग फैकल्टी है आपस आप में ये इंटीग्रेट नहीं होगी तो डिसलोकेट हो जाएगी और डिसलोकेट हो जाएगी तो डिस्टर्ब होगी और ऑर्गन्स और अलीहदा अलीहदा करेंगे तो काम करना बंद कर जाएंगे इंटीग्रेट रहेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे सो दिस इज हाउ आई गेव यू द एग्जाम्पल और मेटाफॉरिकली इसको समझिए तशबी आता के ये स्टार्टअप्स जो हैं ये आपस में इंटीग्रेट होंगे तो आप रिजल्ट्स बनाएंगे और किस किसमें बनाएंगे फॉर्मेशन ये बनाएगी मिशन विजन इक्वल टू स्ट्रेटजी और फिर वैलिडेशन क्या होगा लर्न तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होगी और वैलिडेट uh, जो है आपकी पेवेट क्या होगा एंड देन वी विल स्केल अप टू द ग्रोथ और स्केल क्या होगा एस्टेब्लिशिंग और स्ट्रेंथिंग द बिजनेस सो आइडिया और आइडिया फ्रॉम कॉन्सेप्चुलाइजिंग फॉर कमिटिंग वेलिडेटिंग स्केलिंग एंड देन टू एस्टेब्लिश द परफेक्ट एक्सिस्टम और फिर हमारे पास ये कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टार्टअप ऑफ एक्सिस्टम आ जाएगा थैंक यू वेरी मच